हाय दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे वेस्ट वर्ल्ड सीजन 1 के बारे में। इस सीरीज में आपको तकरीबन 10 एपिसोड देखने को मिलते हैं, हर एपिसोड ऑलमोस्ट एक घंटे से डेढ़ घंटे के बीच में। खैर, ये आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगा, वो भी इंग्लिश में। अब बात करते हैं इस सीरीज की, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज का रिव्यू करने के लिए मुझे मेरे दोस्त ने कहा था, और उसने बोला कि भाई ये सीरीज तुम देखो, तुमको बहुत अच्छी लगेगी, और साथ साथ ये भी कहा था कि भाई तू कंफ्यूज भी बहुत होगा इस सीरीज को देखते टाइम पे। लेकिन अब मैं इसका रिव्यू आपके लिए बहुत ही इजी वे में करने की कोशिश करूंगा, ताकि जब आप लोग इस सीरीज को देखो तो आपको कहीं से भी कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले बात करेंगे इस सीरीज के कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पर हमें फ्यूचर वर्ल्ड बताया, जहाँ पे इंसान लोगों के पास काफी टेक्नोलॉजी है और वो काफी दिमाग से इंटेलिजेंट भी है। तो उन्हीं में से दो लोग, जिसका नाम है डॉक्टर रॉबर्ट फोर्ड और अर्नोल्ड, ये दोनों मिलकर एक थीम पार्क बनाते हैं। अब थीम पार्क सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा यहाँ पर आपको झूला या तो फिर कोई राइड्स देखने को मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ह्यूमन रोबोट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि वो जो रोबोट्स होते हैं वो दिखने में हूबहू इंसानों की तरह होते हैं। वो इंसानों की तरह बोलते हैं, बात करते, चलते फिरते, सोचते, वो सब कुछ इंसानों की तरह करते, लेकिन वो होते हैं रोबोट्स और उनको कहा जाता है होस्ट। खैर, अब आप लोग सोच रहे होंगे इस थीम पार्क का बनाने का मकसद क्या है। भाई, जितने भी अमीर लोग इस थीम पार्क में आते हैं और अपनी जितनी भी फैंटेसी से वो पूरी करते हैं, साथ साथ यहाँ पर काओ बॉय बनने का जो अपना पैशन है उस पैशन को पूरा करते हैं, और जितने भी ह्यूमन है उन लोगों को इस थीम पार्क में न्यू कमर्स खा जाता है। और बेसिकली जो जो रियल वर्ल्ड में इंसान लोग नहीं कर पाते वो लोग यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर सेक्स से लेकर हर एक चीज मिलती है लोगों, यहाँ पर लोग मर्डर भी कर सकते हैं। खैर, अब बात करेंगे सीरीज के प्लॉट की। इस सीरीज की कहानी शुरू होती है विलियम और लोगन से। विलियम हमारी सीरीज का मेन हीरो भी है। खैर, ये लोग दोनों थीम पार्क में आते तो है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब यहाँ पर एक होस्ट के सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। उसके बाद क्या कुछ होता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताते कि सीरीज पर्सनली मुझे कैसे लगी। सबसे पहले मैं इस सीरीज में थैंक यू बोलूंगा इस सीरीज के राइटर, इस सीरीज के डायरेक्टर और पूरी टीम को, जो इस तरीके की बियॉन्ड इमेजिनेशन जाके एक जबरदस्त कहानी हम लोगों के सामने प्रेजेंट किए। ये सीरीज इतनी लाजवाब है कि मतलब मेरे पास आज वर्ड्स नहीं है। ऑल्दो स्टार्टिंग में थोड़ी स्लोली स्लोली आगे बढ़ती, लेकिन जैसे ही फिफ्थ एपिसोड आता है उसके बाद जो स्पीड पकड़ती है वो एंड तक बनाए रखती है, और इतने ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, और यहाँ पर हमें वो सब कुछ देखने को मिलता है जो एक्चुअली रियल है नहीं, लेकिन यहाँ पर इतनी सफाई से वो सारी चीजें प्रेजेंट किए कि मतलब यहाँ पर आप सब चीजों को रियल मानते हो। उसके अलावा कैरेक्टर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करूंगा। तो सबसे मेन है वो है डेलोरिस। वो इस थीम पार्क की सबसे पुरानी होस्ट में से एक है और वो हमारी सीरीज की मेन एक्ट्रेस भी है। उसके अलावा मेवी, जो कि एक इंटरेस्टिंग और एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, और तीसरा टेडी, जो कि आपको फर्स्ट एपिसोड से लेकर लास्ट एपिसोड तक नजर आएगा, बार बार मरता रहेगा, वो मुझे कुछ अलग ही कैरेक्टर लग रहा था। उसके अलावा दो न्यू कमर विलियम और लोगन, जैसे कि मैंने कहा वो हमारी सीरीज के मेन कैरेक्टर्स है। उसके अलावा एक ओल्ड कस्टमर इस थीम पार्क का, जिसका नाम है मैन इन ब्लैक, वो इस सीरीज का विलन है समझ लो। और उसके अलावा आपको कुछ और कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि डॉक्टर रॉबर्ट फोर्ड और बर्नार्ड। उसके अलावा एक और चीज है, वो है द मेज। मेज से रिलेटेड क्या कुछ है वो तो आपको सीरीज में देखोगे तो समझ जाओगे। अच्छा, इस शो में एक और चीज जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये था कि हर एक कैरेक्टर के बारे में इतना डिटेल में बताया कि आपको कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं होगी किसी भी एक कैरेक्टर को लेके। इसके अलावा आपको इस सीरीज में न्यूडिटी के सीन्स और वॉयलेंस दोनों ही बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि मान लो कि इस सीरीज की जो कहानी उसका ये बेस पॉइंट है, अगर ये दोनों चीज ना होती ये सीरीज देखने में मजा ही बिल्कुल नहीं आएगा। तो इस हिसाब से ये सीरीज आप अपनी फैमिली के साथ तो कतई नहीं देख सकते। उसके अलावा इस सीरीज का VFX की बात करो तो यार VFX इतना लाजवाब है कि मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि बचकाना VFX की है, बहुत ही शानदार है। और कुल मिलाकर इसका स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा, राइटिंग बहुत अच्छी, डायरेक्शन बहुत ही अच्छा, और ट्विस्ट एंड टर्न्स आपका इस सीरीज में इंटरेस्ट बनाए रखते हैं। अलावा इस सीरीज में ऐसी बहुत सारी चीजें दिखाई गई है जो मैं यहाँ पर आपको रिवील नहीं करूँ, क्योंकि वो स्पॉयलर्स के अंदर आ जाती है, और वो अगर मैं बता दूंगा तो आपका जो मजा है वो मजा खराब हो जाएगा। बस मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि इस सीरीज को जिसने डायरेक्ट किया वो क्रिस्टोफर नोलन सर के भाई है। आप लोग सोच लो कि सीरीज कैसी होगी। और बात करते हैं एक्टर्स की परफॉर्मेंस, तो सबका काम मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत ही ईगरली वेटिंग कर रहा था कि इसका सीजन 2 कब देखूं। लेकिन फिलहाल तो मैं सीजन 1 देख के इतना ही कह सकता हूँ कि भाई कंफ्यूजन तो हुआ, लेकिन इस सीरीज में देखने का जो मजा था वो काफी अलग था। तो अगर आप लोग को भी उड़ता तीर गान में लेने का शौक है तो आप लोग इस सीरीज को जरूर देखना, लेकिन अगर आप लोग इस तरीके की कॉम्प्लिकेटेड सीरीज देखना पसंद नहीं करते तो आप इस सीरीज से दूर रहना, क्योंकि ये सीरीज 70% लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, उनको 1 से 2-3 बार देखना पड़ता है। मैं तो बोलता हूँ अगर चाहते हो तो ही देखो, वरना कोई मसला नहीं है, नहीं भी देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस यार इस वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जो साथ ही बेल आइकन उसे भी कर देना प्रेस। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।